Good morning, students. How's you doing? I hope you are doing well. Dear students, up to now we have completed 10th chapter in your English reader book. Today we are going to start 11th chapter. Yesterday we completed word meanings of this chapter. Today we are going to start reading this chapter. This is chapter number 11, Hugger Tree. So you all need to turn to page number 70. Sabko page number 70 pe turn karna hai. Page number 70 pe chapter milega. Hugger Tree, this is a poem. ये एक poem है dear students. So let's start reading. Trees are our best friends. Trees हमारे best friends होते हैं, है ना? Trees हमारे best friends क्यों होते हैं? क्योंकि trees से हमें vegetables मिलती है, fruits मिलता है, fruits मिलते हैं, है ना? वहाँ से हमें shade मिलती है, shade means छाया मिलती है, जो summer season होता है उसमें बैठने के लिए जो ट्रीज होते हैं उन्हीं से हमें विंड मिलती है, हवा मिलती है, ऑक्सीजन मिलती है, है ना? तो इसीलिए ट्रीज हमारे बेस्ट फ्रेंड है. दे प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन आवर लाइफ. उनका हमारी लाइफ में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है ट्रीज का. वी कैन नॉट लिव विदाउट देम. हम ट्रीज के बिना नहीं रह सकते. दे आर वन ऑफ द बेस्ट थिंग्स दैट मदर अर्थ हैज प्रोवाइडेड अस. जो ट्रीज है वही उन सब चीज़ों में से बेस्ट थिंग है जो हमारी मदर अर्थ, हमारी पृथ्वी ने हमें दी है. ट्रीज गिव अस मैनी थिंग्स. ट्रीज हमें बहुत सारी चीज़ें देते हैं. वी शुड नेवर हार्म ट्रीज. हमें कभी भी ट्रीज को हार्म नहीं करना चाहिए, ट्रीज को नुकसान नहीं करना चाहिए. हमें डिफॉरेस्टेशन नहीं करना चाहिए. डिफॉरेस्टेशन क्या होता है? जो वन है, जो जंगल है, उनकी कटाई करना, है ना, जितने भी ट्रीज है उनको काट देना, वो होता है डिफॉरेस्टेशन. वी शुड लव देम लाइक आर फ्रेंड्स. हमें ट्रीज को ऐसे लव करना चाहिए जैसे तो वो हमारे फ्रेंड्स हैं. सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट स्टेंजा. फर्स्ट स्टेंजा है, चिल्ड्रन ऑफ द फ्रेजाइल फॉरेस्ट गेदर अराउंड, है ना, कि जो चिल्ड्रन है वो इस फ्रेजाइल फॉरेस्ट में. फ्रेजाइल फॉरेस्ट मतलब जिसको इजीली जो है ख़त्म किया जा सकता है फॉरेस्ट को डिफॉरेस्टेशन करके, ठीक है. तो ये जो फ्रेजाइल फॉरेस्ट है, यहाँ पे जो चिल्ड्रन हैं वो आते हैं, यहाँ पे जो ट्रीज हैं उनके चारों तरफ जो है चिल्ड्रन खेलने आते हैं. वेयर बर्ड सॉन्ग सीम्स टू बी द लाउडेस्ट साउंड. और जब चिल्ड्रन यहाँ पे आते हैं तो सबसे जो ज़्यादा साउंड है वो किसका होता है? बर्ड के सॉन्ग का. बर्ड जो चर्च आते हैं, चर्च उनके चहकाने की आवाज़ आती है, वो चहकाने का जो साउंड है ना, वही यहाँ पे जो है बर्ड का सॉन्ग बताया गया है, ठीक है. तो जो ट्रीज है उनके आसपास चिल्ड्रन आते हैं, खेलते हैं, और जो ट्रीज है वहीं पे बर्ड्स रहते हैं और वो अपने गाने गाते रहते हैं. अ प्लेस कॉल्ड समर ग्रीन एज यू कुड प्लीज, है ना. और जब समर आती है ना तब ये जो ट्रीज है ये इतने ग्रीन रहते हैं कि आपको ये काफ़ी पसंद आते हैं. अ प्लेस वेयर वी ऑल प्राउडली हग द ट्री. और ये जो फॉरेस्ट है ये एक ऐसा प्लेस है जहाँ पर हमें ट्री को हक करना चाहिए, है ना. ट्रीज को हक करने से मतलब है कि हमें जो ट्रीज है उनको सेव करना चाहिए, जो ट्रीज है उनको डिफॉरेस्टेशन नहीं करना चाहिए. जो मोर एंड मोर ट्री वी शुड ग्रो. अब यहाँ पे जो पॉइंट है वो राइट करते हैं. हक ट्री फॉर द वॉलनट्स, क्योंकि हमें ट्रीज से अखरोट मिलती है इसलिए हमें ट्रीज की जो है सेव ट्रीज जो है उनकी रक्षा करनी चाहिए. स्वीट एप्पल्स, हमें स्वीट एप्पल्स मिलते हैं. फॉर द सेड अबव स्मॉल कंट्री चैपल्स, जो हमारा जो शहर है वहाँ पे जो एक कोई चैपल्स मतलब एक प्लेस टू वॉरशिप, जहाँ पे पूजा भगवान की आराधना वगैरह की जाती है, जैसे टेंपल वगैरह की बात करें तो हम कहीं पे भी देखेंगे कि टेंपल वगैरह होते हैं तो उसके ऊपर एक पेड़ होता है बड़ा सा, और वो क्या करता है, वो ट्री हमें सेड देता है, छांव देता है. फॉर गिविंग स्क्विरल एंड क्रो अ प्लेस टू लिव. और ये जो ट्रीज है इनको हमें क्यों सेव करना चाहिए? क्योंकि ये जो क्रो है, बर्ड्स है, जो स्क्विरल है, गिलहरिया है, उनको रहने के लिए जगह देते हैं.
फॉर द प्राइजलेस गिफ्ट ऑफ ऑक्सीजन दे गिव, और ये हमें एक प्राइजलेस गिफ्ट है ना, बहुत ही अमूल्य गिफ्ट हमें ऑक्सीजन देते हैं। अगर हमें ट्रीज से ऑक्सीजन ना मिले देन वॉट वुड हैपन टू अस, वी वुड डाई राइट। अब आगे जो पॉइंट है वो कहते हैं फॉलो योर फीट अक्रॉस अ वुडलैंड फ्लोर, है ना, मतलब कि हमें जो है वुडलैंड जो फ्लोर है मतलब कि जो फॉरेस्ट है वहाँ पे आना चाहिए। बीनीथ द टॉल एंड एंसेंट सिकामोर, सिकामोर जो है एक जो है बटन वुड ट्री होता है, एक जो है लॉन्ग ट्री होता है, ठीक है। तो जो बहुत ओल्ड सा सिकामोर ट्री है जो कि काफ़ी ज़्यादा टॉल है, लंबा है, उसके नीचे हमें आना चाहिए अंडर रेडवुड, और रेडवुड जो है उसके नीचे हमें आना चाहिए। रेडवुड क्या है, यह भी एक ब्यूटीफुल लॉन्ग ट्री होता है, लंबा सा ट्री, अंडर टॉल ब्लू पाइन, और ब्लू पाइन जो ट्री है उसके नीचे हमें आना चाहिए। कम विद मी एंड फॉर्म एन एंडलेस लाइन, मेरे साथ जो पोइट है वो बोलता है कि मेरे साथ आओ और ये जो रेडवुड ब्लू पाइन है ना और ये सिकामोर जो ट्री है इनके नीचे आओ, इनकी छाव लो और चलो इनके साथ मेरे साथ जो है ना एंडलेस लाइन ऑफ दिस ट्रीज वी शुड ग्रो अप, मतलब कि मेरे साथ आके ये जो ट्रीज हैं इनकी एंडलेस लाइन ग्रो करते हैं, ऐसा जो पॉइंट है वो बोलता है। तो डियर स्टूडेंट्स जो फर्स्ट स्टेंजा है उसमें जो पॉइंट है उसने बताया कि समर में जो है ना ट्रीज का काफ़ी ज़्यादा यूज़ होता है, ठीक है। यहाँ पे बर्ड्स जो है उनका साउंड काफ़ी अच्छा लगता है, ऐसा लगता है जैसे कोई सॉन्ग चल रहा हो। और सेकंड स्टेंजा में जो पॉइंट है उन्होंने बताया कि हमें जो ट्रीज़ है उनको सेव क्यों करना चाहिए, क्योंकि हमें उनसे बहुत सारी खाने की चीज़ें मिलती है, वॉलनट्स एप्पल मिलते हैं, है ना, उनसे हमें सैड मिलती है। जो हमारे एनिमल्स है जो भी हमारे स्क्वीरल क्रो और जितनी भी मतलब स्पैरोज वगैरह है उन सबको यहाँ पे रहने के लिए एक प्लेस मिलता है और हमें भी एक प्राइसलेस गिफ्ट ऑक्सीजन मिलती है, ठीक है। तो अब जो थर्ड स्ट्रेंजा है इसमें पोइट बोलते हैं कि चलो मेरे साथ आओ और ये जितने भी टॉल ट्रीज है ना इनकी हम इनके नीचे बैठ के इनकी सेड लेते हैं, इनकी छाँव लेते हैं और साथ ही में बहुत सारे ट्रीज हम ग्रो करते हैं। सो डियर स्टूडेंट्स आज हमने थर्ड स्ट्रेंजा तक रीड किया, कर हम फोर्थ स्ट्रेंजा से स्टार्ट करेंगे। इन टूडेज होमवर्क यू ऑल्सो हैव टू रीड अप टू थर्ड स्ट्रेंजा, दैट्स इट फॉर टूडे, सी यू इन माई नेक्स्ट लेक्चर।